कर्नाटक से गौहर भी आपसे बात करना चाहते हैं हकीम साहब, उनके पास चलते हैं। जी गौहर, बताएं आपकी क्या परेशानी है, क्या सवाल है हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम साहब, आमिला और उनके लिए रोहन बादाम लेना है, बताए बताए थे, तो कौन से मंथ पर लेना है ये मालूम करना है। ठीक है, देखिए अगर सातवें महीने से इस्तेमाल करें, वैसे तो पूरे नौ महीने तक भी ले सकते हैं, लेकिन सातवें महीने से एक या दो चम्मच रोगने बादाम भरोसे का हो, या सामने बादाम का तेल निकलवा लीजिए और दूध में मिला के दिया करिए ये काम। और सातवें महीने से एक और काम बता देता हूँ आपको कि अगर आपके यहाँ बहू है या कोई भी बच्ची है तो सातवें महीने से उससे काम खूब कराइए, इतना काम कि पोंछा लगवाइए, चाहे आपके यहाँ पोंछा लगाने वाला कोई आता हो फिर भी पोंछा लगवाइए। कपड़े धोने की घर घर में मशीनें हैं, लेकिन ज़मीन में बैठ के कपड़े धोए, अगर ये काम आप कराएं उनसे दो महीने तक, जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं महिलाएं हैं, तो ये बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, ये मेरा तजर्बा है। इससे 90% तक लोगों को नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर डॉक्टर की नीयत अच्छी हो तो। जी डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी नीयत अच्छी हो। बेशक कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है, कुछ कह नहीं सकते, और ये बच्ची को ज़रूर कराइए इसके साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बच्चा पैदा होगा। जो आप लोगों ने बादाम देती हैं तो बादाम जैसी उसकी आंखें होंगी और मज़बूत उसका जिस्म होगा, माँ में भी ताकत रहेगी। और यह आप करिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। चलिए गौहर, ये नुस्खा अपनाएं और रिज़ल्ट जब सामने आए तो हमें भी बताएं ज़रूर।